आज मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के वार्ड नंबर 19 के जीवन ज्योति कॉलोनी में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पोस्टर लगाया हुआ है जो वार्ड वासियों द्वारा लगाया हुआ है, और यहाँ पर कम से कम 200 वोटर हैं, लेकिन ये लोग चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। कारण ये है कि इनके यहाँ पर काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा समस्या है। इन लोगों को निकलने के लिए यहाँ पर सड़क भी नहीं है, बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं, और जब इन लोगों ने ये बहिष्कार किया तो अभी भी यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए इस साइड में कोई स्कूल नहीं है, और MPP वालों ने रास्ता को बंद कर दिया है, और कॉलोनी में कहीं निकलने के लिए रास्ता नहीं है। तो हम लोग बच्चों को पढ़ने के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए जब रोड पर नहीं पहुंच पाएंगे तो इससे बड़ी समस्या हो ही क्या सकती है। इसलिए हम सब लोग हड़ताल पे आएंगे, जब तक रास्ता नहीं होगी तब तक हम मतदान करने नहीं जाएंगे। और आज एक साल हो गया हमको, हमने कई बार हड़तालें की, धरना प्रदर्शन किया, रोड जाम किया, कोई भी नेता लेता लेने के लिए, हमारे साथ देने के लिए साथ में नहीं आए। जब कोई हमारे साथी नहीं है तो हम मतदान करने के लिए किस लिए जाएं। इसके बाद आज तक ना कोई वार्ड पार्षद आया हमारे पास, ना कोई हमारे पास ऐसा नगर पालिका अध्यक्ष आई, ना आज तक हमारे पास विधायक जी आए। 4 साल विधायक जी को बने हो गए। किस समस्या को लेकर आप लोगों ने हमारे किया है? हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है, हम लोगों को रोड के लिए निकलने के लिए कोई जगह नहीं है, मेन रोड से जुड़ने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, जो जगह थी वो MPP वालों ने बंद कर दी। दूसरी बात, हम लोगों के यहाँ लाइट की समस्या है। लाइट हम लोगों के यहाँ, ये 2 खम्भे हम लोगों के गड़ना चाहिए, बहुत दिनों से मांग, कोई नहीं सुन रहा। तीसरी चीज़, हम लोगों के यहाँ नाली सफाई कभी कोई आता नहीं है, नालियों की नियमित सप्लाई हो, ये हम लोगों की डिमांड है। ठीक है, कचरा गाड़ी जो आती है वो हम लोगों के यहाँ रुकती नहीं है, 1 मिनट के लिए भी किसी भी घर के पास नहीं रुकती। तो हम लोगों की डिमांड है कि वो कचरा गाड़ी आए, तो हर घर में जैसी सब जगह रुकती है वैसे हमारे यहाँ भी रुके। इन्हीं समस्याओं के कारण हम लोग सब अपना इस नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं आप ये? जब से नगर पालिका चुनाव की शुरुआत हुई। तो जब से आप ये बहिष्कार कर रहे हैं तो क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी? प्रशासनिक अधिकारी अभी कोई नहीं आया, पार्टियों के लोग आए हैं, विधायक जी आए थे और ललताया जी आई थी, भाजपा के जिलाध्यक्ष आए थे, उन लोगों ने आश्वासन भर दिया, किया कुछ नहीं। तो क्या जब तक आपके यहाँ पर पहले ही ये काम नहीं होगा तब तक आप बहिष्कार? जब तक हम लोग बहिष्कार करें नहीं, ये वहाँ पर जो भी रहते हैं उन्होंने कभी नहीं कहा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन दूसरे लोग जो अफवाह फैला रहे हैं, वहाँ कई प्रकार के लोग पहुँचते हैं, और जो भी मीडिया के लोग आते हैं या अन्य लोग आते हैं उनको बहकावे के लिए इस प्रकार की बातें, और क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है वो हार रहा है, वो जनता के बीच में जाते हैं तो उनको पता चल रहा है, इसलिए अन्य प्रकार के ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हमारे आदरणीय विधायक जी ने ये कभी नहीं कहा, ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमें आपके वोट नहीं चाहिए, ये झूठा है ये। और वहाँ के लोग नहीं कह सकते, ये दूसरे लोग कह सकते हैं, मुझे जहाँ तक कि विश्वास है। वहाँ पर मेरे भाई रहते हैं, मेरे बहन रहते हैं, मेरे घर के बिल्कुल अच्छे लोग वहाँ पर रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, निश्चित रूप से वहाँ पर कोई ना कोई असामाजिक तत्व का व्यक्ति ऐसा कह सकता है, वहाँ के रहवासी कभी नहीं कह सकते। जिस तरह उन लोगों को काफ़ी समस्या है, और अगर आप इस वार्ड से निकल जाते हैं तो क्या समस्या वहाँ की हल करवाएं? हाँ, समस्या बिल्कुल है वहाँ पर, क्योंकि मेरा विद्यालय भी है, मेरे विद्यालय में अधिकतर बच्चे वहाँ से पढ़ने के लिए निकलते हैं, मैं भी अधिकतर वहाँ से जाता हूँ, तो निश्चित रूप से वहाँ पर एक नाला भी पड़ जाता है, और 4-व्हीलर गाड़ी में 4 पहिया गाड़ी नहीं निकल पाती है। कोई उनका रिश्तेदार आता है, कोई साला आता है, कोई जीजा आता है, कोई मौसी आती है, कोई चाचा चाची आते हैं, तो निश्चित रूप से जब गाड़ी नहीं निकलती तो उनको कहीं ना कहीं कष्ट होता है, और कष्ट होता है तो एक दुख भी होता है कि यहाँ कैसे लोग रह रहे हैं, यहाँ प्लाट कैसे ले लिया। लेकिन प्लाट लेने वालों की गलती नहीं है, वहाँ जो देने वाले थे उनकी गलती है, उनको झूठा बताया गया, नक्शे में बताया गया कि यहाँ से रास्ता मिलेगा आपको, और क्योंकि रोड के पास था इसलिए लोगों ने खरीदा, उनकी कोई गलती नहीं है। और ये मैं भरोसा दिलाता हूँ वहाँ के रहवासियों को, वहाँ के लोगों को, और वहाँ लाइट की भी समस्या है यादव कॉलोनी में, वो भी मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगर मुझे आशीर्वाद मिला और आशीर्वाद मिलने भी जा रहा है तो वहाँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मैं उनके साथ में कंधा से कंधा मिला करके 24 घंटे 365 दिन उनके लिए मैं खड़ा रहूंगा। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।